हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे किचन में बन रहा है मुंबई का बहुत ही फेमस रेसिपी, और ये है पाव भाजी, जिसे बनाना है काफ़ी इजी। और इसमें इतनी सारी सब्जियां पड़ती हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और बच्चे लोग चाहे बड़े लोग सभी लोग इसको बहुत खुश होकर खाते हैं। काफ़ी टेस्टी बनता है, आप लोग एक बार ज़रूर से ट्राई करिए। और जो मुंबई में मिलता है ना, बिल्कुल उस टाइप का जो टेस्ट है ना, उस टाइप का टेस्ट आता है। मैंने भी किसी से ये सीखा था, तो उसके बाद मैं ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं कुछ वेजीज, और ये है मटर। देखिए, मटर को मैंने एक बाउल के करीब ले लिया था, और फूल गोभी ले लिया है, चुकंदर ले लिया है, और उसके बाद मैंने आलू ले लिया है। और इन सब चीज़ों को मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा ही कट किया है, क्योंकि मैंने इसको करना है बॉईल, इसलिए मैंने इसको बड़ा बड़ा कट कर लिया है। हम इसको कुकर में डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे नमक। बाकी कोई मसाले इस पर नहीं पड़ते हैं, सिर्फ हल्दी और नमक डाल के। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी, और उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगी 2 सीटी आने के लिए। और 2 सीटी जैसी आती है, उसके बाद 3 से 4 मिनट के लिए आपको उसको लो फ्लेम में पकाना है। तो दूसरी साइड मैंने कैप्सिकम थोड़ा काट दिया है, प्याज थोड़ा ज़्यादा लिया है, टमाटर ले रखा है, और बीन्स ले रखा है, हरा मिर्च लिया है, धनिया लिया है, और लहसुन अदरक ले रखा है। तो ये सब्जी आप अपने हिसाब से ले लीजिए, जितना आपको भाजी बनानी है उस अकॉर्डिंग आप सब्जी ले लीजिए। और उसके बाद अब हम इसको फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। तो तेल में जा चुका है यहाँ पर, कढ़ाई में जा चुका है यहाँ पर तेल, और तेल के गर्म होते ही मैं यहाँ पर 3 क्यूब्स जो है बटर के डाल दूँगी। इस चीज़ को आप बिल्कुल मत भूलिए कि जो हमें तेल के साथ हमें बटर को ज़रूर से ऐड करना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा। तो जैसे ही गर्म हो जाएगा, इस पर पड़ेगा हरी मिर्च, और हरी मिर्च को हम हल्का सा भून लेंगे। ये देखिए, हरी मिर्च डाल देंगे, और फिर जो लहसुन अदरक मैंने बारीक चॉप किया था उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। और इनको थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर आने तक, जब तक इसका थोड़ा हल्का कच्चापन ना निकल जाए, तब तक हम इसको भून लेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने डाल दिया है, अब मैं इसको ड्राई भून लूँगी। बटर डालने से ना इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, तो आप लोग बटर डालना बिल्कुल ना भूलें इसमें। उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें अनियंस, और अनियन मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ले रखा है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आ जाएगा, एक फ्लेवर मिल जाएगा हम लोगों को। और इसको डालने के बाद लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होने तक मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। और इसमें सब्जियाँ जो भी आपके पास है ना, वो सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। और क्योंकि हमें ये सब चीज़ें मैश करनी है अभी, तो जो भी सब्जी आपके पास पड़ी हुई है किचन में, वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर डाला बारीक कटा हुआ ये बीन्स, और बीन्स को भी मैं हल्का सा भून दूंगी। और सिर्फ 2 से 3 मिनट तक आपको इस तरह से भून लेना है बीन्स को भी। और फिर हम डालेंगे यहाँ पर टमाटर, और टमाटर को डालने के बाद ये देखिए, और पका हुआ टमाटर लेना है लाल, ताकि इसका कलर भी ना, हमें कोई एडिशनल कलर ना डालना पड़े इस पर। तो इस तरह से मैं टमाटर डाल दूंगी, और दूसरी साइड मैंने चुकंदर भी लिया था, तो इससे हमारा एक रेड कलर, ऑटोमेटिक रेड कलर आ जाएगा। तो अब हमें टमाटर को मैश होने तक इसको अच्छे से पका लेना है, और लो फ्लेम में आप इसको पका सकते हैं आराम से, धीरे धीरे इसको पकने दीजिए। और इन सब्जियों को हमें बारीक बारीक ही काटना है, क्योंकि ये इन चीज़ों को हम मैश नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इसमें ये डाल दिया है। अब इसमें जाएगा कैप्सिकम, और कैप्सिकम मैंने सिर्फ एक लिया था, उसको इस तरह से मैंने बारीक काट लिया है। और इन सब्जियों में से जिस सब्जी का फ्लेवर आपको अच्छा नहीं लगता है, आप उसको स्किप कर सकते हैं, और जो सब्जी आपको खाने में ज़्यादा पसंद है, उस सब्जी को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर हल्दी डाल दूँगी, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर नमक डाल दूँगी। हल्दी नमक मैंने बॉईल करने के लिए भी रखा है, इसलिए आप थोड़ा सा कम ही डालिए, अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अनुसार जो है आप इसमें डालिए। और फिर मैं यहाँ पर डालूँगी लास्ट में पाव भाजी मसाला। तो पाव भाजी मसाले से ही जो इसका फ्लेवर है ना, बहुत अच्छा खिल के आएगा। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे, और जो हमारी ये सूखी सब्जी थी ना, ये बनके रेडी है। और बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है पाव भाजी मसाला डालने के बाद इसमें। तो ये जो हमारी बारीक कटी हुई सब्जी थी, ये अच्छे से पक चुकी हैं। तो अब हम कुकर देख लेते हैं एक बार। तो कुकर का ढक्कन हमने खोला, और सब्जी हमारी देखिए बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो पकने के बाद हम इसको कर देंगे मैश। किसी भी चीज़ से मैश कर लीजिए, मैं इसमें एक करची से मैश कर रही हूँ, या मैशर हो या फिर गिलास से भी आप इसको मैश कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अच्छे से मैश हो जानी चाहिए, इसमें पीस नहीं दिखनी चाहिए। जितनी अच्छे से मैश होती है ना, उतनी ही अच्छी दिखती है सब्जी खाने में। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे, देखिए बस हमारी भाजी जो है बन के रेडी है। तो देखा आप लोगों ने कितनी सारी सब्जियाँ इस पर पड़ी। तो बच्चे तो वैसे सब्जी खाते नहीं हैं, लेकिन ऐसे अगर आप बनाएंगे ना, तो बहुत अच्छे से सब्जी खा लेंगे। और फिर हम यहाँ पर डाल देंगे पानी, जिस हिसाब से आपको चाहिए, ठीक
अगर आपको ज़्यादा पतला चाहिए तो ज़्यादा पानी डाल लीजिए, और जिस हिसाब से आपको थिक चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी को ऐड कर दीजिए। और सब कुछ हमारा पका ही हुआ है तो बस सिर्फ एक बॉईल आने देंगे और जो हमारी भाजी है बनके रेडी हो जाएगी। और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करिएगा। तो भाजी हमारी पक चुकी है और हमने यहाँ पर धनिया से इसको गार्निश कर लिया है, और इसको एक बार मिक्स कर देंगे ताकि जो धनिया की जो फ्रेशनेस है ना वो इस पर अच्छे से मिल जाए। तो भाजी हमारी बन चुकी है, अब हम काटते हैं पाव। पाव को मैं इस तरह से बीच बीच में काट दूंगी। मुझे पाव नहीं मिला जिस एरिया में मैं रहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है ये बंद। तो बंद को मैं बीचों बीच से काट दूंगी। अगर आपके एरिया में पाव मिलता है तो आप पाव ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर लगता है भाजी के साथ। और ये बंद को मैंने बीचों बीच इस तरह से काट दिया है। अब हम क्या करेंगे ना कि एक कढ़ाई ले लेंगे, उस पर थोड़ा सा भाजी डालेंगे इस तरह से, और एक क्यूब डाल देंगे बटर। और जैसे ही बटर हमारा मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे जो हम लोगों ने बंद कट किए थे ना, उसको हम इसको इसके ऊपर डाल के तो दोनों साइड से हम इसको सेक लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से भाजी के साथ हम बंद को इस तरह से, पाव को या बंद को इस तरह से हम दोनों साइड से सेक लेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ब्रेकफास्ट में बनाइए, लंच में बनाइए, डिनर में बनाइए, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। तो हमारी जो देखिए पाव भाजी की रेसिपी है, काफ़ी जल्दी और काफ़ी अच्छे वे में ये बन के रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने भी एक मुंबई की कोई लेडीज़ थी उससे ही सीखा था, बहुत ही टेस्टी ये लगी हुई थी मुझे खाने में। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर से बनाएं, और आपको ये मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। और बहुत ही टेस्टी, अगर जिस तरह से मैंने बताया है आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी रेसिपी आपकी बनेगी। तो चलिए अब आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक सभी को बाय बाय।